हमारे रेलवे में दो हमारे पैतृक दायित्व निभाने वाली संस्थाएं हैं, एक रेलवे बोर्ड, एक लेबर यूनियन। इन दोनों का जब हम लोग पहले तो ये समझते थे कि बीमार हैं ये संस्थाएं, दोनों बीमार हैं, दोनों फेडरेशन बीमार हैं और रेलवे बोर्ड बीमार है, लेकिन आज की तारीख में जब संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है, इंजीनियर्स को सड़क पे आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो हम लोग मान लिया कि ये संस्थाएं समाप्त हो गई हैं, मृत हो गई हैं। और उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मैंने आज अपना सिर का मुंडन कराया है और आगे हम लोग पिंडदान तक इसको समापन करेंगे, पुण्यदान करके, क्योंकि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी हम लोग करेंगे। रेलवे बोर्ड इतनी संवेदनशीलता के दायरे से बाहर हो चुकी है कि हम लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन हम चाह रहे हैं, पैसा नहीं लगना है उसमें, एक पैसे की डिमांड नहीं है हमारी, केवल अपना जो हमारा स्टेटस है वो हम चाहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी को मिल चुका है। सेफ्टी कमेटी की रिकमेंडेशन हमारे फेवर में है, उसके बावजूद हमें वो अलग मान्यता प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता कि जब हमारे पास कोई हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम लोग किस रास्ते जाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग आज की तारीख में संघर्ष के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी 27 तारीख को हम पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे। 27 दिसंबर वो दिन होगा जिस दिन रेलवे बोर्ड ने एक अपनी बनाई हुई नीति को वापस लिया था पिछले साल। 27 दिसंबर वो दिन था जब रेलवे बोर्ड अपने थूके को उसने चाटा था। उस तारीख को हम कभी नहीं भुलाने देना चाहेंगे और हर साल इसको हम लोग एनिवर्सरी के रूप में, काले दिवस के रूप में मनाएंगे। हम इस देश के कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर हैं और रेल के संचालन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे इंजीनियर्स को जिस देश में सम्मान नहीं मिलेगा, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। ये मैं आपके माध्यम से, संस्था के माध्यम से, अपनी एसोसिएशन के माध्यम से जनता में संदेश देना चाहता हूँ। जो लोग संरक्षा हम लोग सुनिश्चित करते आए हैं अभी तक, उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में। अच्छे इंजीनियर आना बंद हो जाएंगे। आपने डिग्री इंजीनियर्स की एंट्री बंद कर दी है रेलवे में, उनको भी जूनियर इंजीनियर के स्तर पर ला रहे हैं। कोई अच्छा इंजीनियर जूनियर इंजीनियर में क्यों आएगा जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स है? उसके बावजूद आप उनको प्रमोशन चैनल नहीं दे रहे हो। वो जेई में आता है, एसएससी में रिटायर हो जाता है। एसएससी के बाद उसका कोई एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन नहीं है। जो एसएससी में आया है उसे कोई भी प्रमोशन नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी का भी मोरल डाउन होगा, उस मोरल डाउन के बाद वो क्या अच्छा काम करेगा, ये कोई भी समझ सकता है। जिस आदमी को 30 साल नौकरी में एक भी प्रमोशन ना मिले, उसकी स्थिति क्या हो सकती है? वो केवल जिंदा रह के काम कर रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन बहुत कम है। ऐसी स्थिति में देश को, इंजीनियर्स को और हमारे रेलवे को, सभी को सोचना है।